तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जब महाकाली काल भैरवनाथ के मंदिर में पोषण का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दीपक पारिक की संवाददाता से हुई खास बातचीत। शास्त्री में दूध मंडी के पास में महाकाली और काल भैरवनाथ का एक मंदिर है जो पवित्र स्थल संचान घाट में स्थित है, जहां आज पुष्पण का महोत्सव का आयोजन किया गया है। काफी श्रद्धालु आपके सामने यहां नजर आ रहे हैं और कुछ दर्शक हमारे साथ में है, कुछ भक्तगण हमारे साथ में। आज हमसे ये विचार जानेंगे कि ये प्रोग्राम कितने सालों से लगातार चल रहा है और कितने श्रद्धालु यहाँ आकर जो है अपनी मन्नतें मांगते हैं और कितने श्रद्धालु यहाँ आकर आज जो है भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। कार्यकारिणी के मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दीपक जी हमारे साथ में हैं। दीपक जी से जानेंगे आज के पूरे कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा। सबसे पहले तो न्यूज 24 आवर्स का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने ये पोस्ट बड़ों का जो कवरेज किया है उसके लिए मैं आभार हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मंदिर में पोस्ट बड़े कई सालों से होते आ रहे हैं, माता के दरबार में, माता का दरबार यही है। लेकिन अभी कुछ समय पहले मंदिर कार्य कमेटी बनी जिसका मुझे सभी लोगों ने अध्यक्ष बनाया, मेरे पदाधिकारी और हैं पीछे, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव सब हैं, तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है हमारे साथ। तो मैं ही बताना चाहता हूं कि इस बार जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो मंदिर कमेटी के द्वारा ही की गई थी और उस मंदिर कमेटी के द्वारा ये पोस्ट बड़ों का महोत्सव आज आपके सामने हो रहा है और लगातार प्रसादी का वितरण हो रहा है। लगातार बैठ के खाना खा रहे हैं, प्रसादी का आनंद ले रहे हैं और माता के दरबार में जो भजनों का प्रोग्राम है और अभी कुछ मुख्य अतिथि भी आने वाले हैं उनका हम स्वागत करेंगे इस मंच से, इस कार्यकारिणी के द्वारा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर जो कार्य कमेटी बनी है, मंदिर के नव निर्माण और मंदिर में जो अभी तक कुछ बहुत सारी गलत चीजें हो रही थी उसकी हम पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं, क्योंकि मंदिर एक पवित्र जगह है। इसको पवित्रता को बनाने के लिए हम सब लोगों ने 15 जनों की मंदिर कमेटी बनाई, उसका गठन किया और उसके तत्वाधान में आज आपने देखा ही है कि बहुत बड़े महोत्सव हो रहे हैं, बड़े शानदार भक्तालु आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं अपने भजनों का और प्रसादी का। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह सब लोग जुड़ते रहें हमारे साथ और इस मंदिर के निर्माण में हर तरह से सहयोग करें जिससे हमारी कमेटी बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म ना छोड़िए, जब तक गट में है प्राण से साथ तक तो लेकर मंदिर कमेटी काम भी करिए और न्यूज 24 के सभी दर्शकों से हम लोग निवेदन करें कि इस मंदिर के प्रांगण में आप आए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपना शीश नवाएं।